नंबर वन इस वक्त हमारे पास प्रेडिक्शंस में आ रहे हैं कनान चौधरी साहब, मुझे इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर नजर आ रहे हैं। आसिफ अली जरदारी साहब केसेस में गिरफ्तार होते भी नजर आ रहे हैं और कनान चौधरी हर लम्हा पुरजोश के विनर करार पाते हैं। 90 पर छापा मारा गया, कनान चौधरी ने नया साल शुरू होने से पहले ही ऑपरेशन की पेशगोई कर दी थी। अस्सलाम वालेकुम कैप्रिकॉर्न, मैं हूं कनान चौधरी एस्ट्रोनॉमर। अभी जो वीडियो क्लिप आपने देखा उसमें वो प्रेडिक्शंस थी जो मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे मैंने एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी कैलकुलेशंस को यूज़ करते हुए थी, और जब वो प्रेडिक्शन अल्हम्दुलिल्लाह ठीक साबित हुई उन टीवी चैनल्स की तरफ से मुझे अप्रिशिएट किया गया, वो क्लिप आप लोगों के साथ शेयर। इस क्लिप को शेयर करने का मकसद सिर्फ इतना है ताकि आप लोगों को ये बताया जा सके और समझाया जा सके कि एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी कैलकुलेशन से की जाने वाली प्रेडिक्शंस बिल्कुल ठीक साबित होती हैं, बशर्त के नॉलेजेबल पर्सन प्रेडिक्ट कर रहा हो और सही नॉलेज हो उससे। इसी तरह अगर आप ज़ात के बारे में जानना चाहते हैं, अपना ज़ाती चार्ट बनवाना चाहते हैं, इसी तरह करेक्ट प्रेडिक्शन इंशाल्लाह आपको भी मिलेंगी। नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके आप अपॉइंटमेंट फिक्स करवा लें अगर आप जानना चाहते हैं। कैप्रिकॉर्न, अब बात करते हैं कि आपका ये वीक कैसा गुजरने वाला है। तो इस वीक की आपकी जो प्रेडिक्शंस हैं, जो रीडिंग्स हैं, जो कैलकुलेशंस हैं, वो मैंने एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी और टैरो रीडिंग्स के साथ एक कैलकुलेशन का कॉम्बिनेशन यूज करते हुए प्रेडिक्शन आपके लिए तैयार की है। तो देखते हैं सबसे पहले कि आपका ये वीक जो है ओवरऑल कैसा रहने वाला है। इस वीक के आगाज से ही कैप्रिकॉर्न आपको पंक्चुअल होना पड़ेगा, अपनी बातचीत का ख्याल रखें, ऐसे अल्फाज मत करें, ऐसे बातें मत करें जो आप पूरे ना कर सकें। आपकी नेग्लिजेंसी आपकी लड़ाई झगड़े का बायस बन सकती है और आपको इस चीज़ से अवॉइड करना चाहिए। बोलते वक्त सोच समझ के बोलें, प्रॉमिस करते वक्त सोच समझ के एनालिसिस करके चीज़ों को फिर किसी के साथ कमिटमेंट करें। अपने आप को जो है वो अपसेट होने से बचाएं, कूल रहें, काम रह के डिसीजन लेने की कोशिश करें। किसी को भी रीज़न मत दें कि वो आपके सामने कर सके या आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सके। आपको पुरसकून रहने की जरूरत रहेगी इस वीक के अंदर, क्योंकि थोड़ी सी टेंशन क्रिएट होती हुई नजर आ रही है। अगर आप रेस्ट नहीं करेंगे, प्रॉपर पुरसकून नहीं रह पाएंगे, तो फिर आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो हेल्थ इश्यूज हैं, वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। आप एक्सरसाइज करेंगे अगर तो ये आपके लिए इस वीक में बेहतर होगा, क्योंकि स्ट्रेस नज़र आ रहा है जो आपकी हेल्थ पे बुरे असरात छोड़ता हुआ नज़र आ रहा है। अब लव हॉरोस्कोप की अगर मैं बात करूं कैप्रिकॉर्न, तो आपको अपने लाइफ पार्टनर के साथ टाइम गुजारने का मौका जरूर मिलेगा मिड वीक के बाद, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नज़र आ रहा है। कुछ पैसों में पैसा हो सकता है जो किसी क्लैश का बायस बन सकता है। बिना वजह के आर्गुमेंट से अवॉइड करें, क्योंकि मैं आपको स्टार्ट में भी बता चुका हूँ कि आपकी कहीं कहीं बात किसी का दिल तोड़ सकती है। और लव रिलेशनशिप में तो स्पेशली आपकी जो बॉन्डिंग है वो डिस्टर्ब हो सकती है। अपने टाइम को प्लान करने की कोशिश करें अपने लाइफ पार्टनर के साथ, अपने स्पाउस के साथ, अपने लवर के साथ प्लान बनाएं आउटिंग का और उसको फॉलो कोशिश करें। अगर आप अच्छा टाइम गुजारने की कोशिश करेंगे गुड एंड काम बैठ के, तो चीज़ें गेट पे फेवरेबली साथ देती हुई नजर आ रही है। 6 out of 10 आपका जो है स्कोर नज़र आ रहा है इस वीक का, जो कि बहुत अच्छा स्कोर है। थोड़ा सा आपको चीज़ों को मैनेज करने की जरूरत है। फिनांशियली अगर मैं बात करूँ तो आपको अपने पैसों को सेव करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहेगी, और जो परचेजिंग आप इस वीक में करने जा रहे हैं किसी भी वाले से जो इखराज आपके हैं, आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। और आपको अपनी हेल्थ के हवाले से थोड़ी सी स्पेयर मनी की ज़रूरत पड़ेगी, तो अपनी सेविंग्स को अपनी हेल्थ के लिए बचा के रखें।
ये आपके काम आएंगे अगर अल्लाह ना करे आपको इशू फेस करना पड़ता है। वैसे स्ट्रेस और एंग्जाइटी नज़र आ रही है इस वीक में कैप्रिकॉन। लकी नंबर्स की बात करूँ तो 2, 3, 5, 6 एंड 10 ये आपके लकी नंबर्स हैं, इनको आप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह बेहतर रिजल्ट्स उम्मीद कर सकते हैं फ्यूचर में किसी भी वादे से अगर आप अपने लकी नंबर्स को हिट करें। फेवरेबल जोडियक साइन की बात करूँ या कंपैटिबल जोडियक साइन की बात करूँ तो इस वीक में जेमिनाई और लियो आपके लिए कंपैटिबल रहेंगे, इनसे आपको मदद मिल सकती। तवज्जो चाहेंगे जो जोडियक साइन आपकी उनमें सैजिटेरियस और पाइसिस है, ये दोनों जोडियक साइन आपकी तवज्जो चाहेंगे तो आपकी तवज्जो की जरूरत रहेगी। इसके बाद मैं आपको कैप्रिकॉन बताता चलूँ आपके जो चार्ट्स हैं वो क्या बन रहे हैं। तो वो आपके चार्ट्स की अगर मैं बात करता हूँ तो हेल्थ आपकी 3.1 out of 10 नज़र आ रही है, इट मीन्स हेल्थ इश्यूज आपके बिल्कुल हैं। तो मीन्स ये कि आपको अपनी हेल्थ के हवाले से काफ़ी एहतियात करने की ज़रूरत रहेगी, जो मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ। काम का लोड 1 out of 10 नज़र आ रहा है, इसका मतलब ये है कि इसमें ज़्यादा बर्डन नहीं होगा काम का आपके ऊपर। लक आपको 7 out of 10 फेवर देती हुई नज़र आ रही है, किस्मत का साथ आपके साथ रहेगा। 4.2 out of 10 आपका मूड रहेगा, यानी मूड स्विंग्स का प्रॉब्लम आपको नज़र आ रहा है, जो एंग्जाइटी और डिप्रेशन की वजह से भी होगा जो मैंने पहले आपको बताया। आपका वीकली जो टैरो है वो 6 of swords है, इसका मतलब है जर्नी, बेटर फ्यूचर, एस्केप चैलेंजेस। आपको कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे जिनको आपको अवॉइड करना चाहिए, आपको सफ़र करना पड़ सकता है और अच्छे फ्यूचर की प्लानिंग आप लोग करते हुए नज़र आएंगे इस वीक में। तो ये कैप्रिकॉन आपकी वीकली रीडिंग्स थी जो आप लोगों के साथ मैंने शेयर की, उम्मीद है आपको पसंद आई होंगी और आपको इससे गाइडलाइन मिलेगी। नेक्स्ट वीक तक के लिए मुझे इजाज़त दें, वीडियो देखने का शुक्रिया।